हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ जर्नल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा हमें स्टूडेंट ये, क्योंकि एडजस्टमेंट कई सारे यहाँ पे कवर करने हैं हमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो जर्नल एंट्री है वो हमें कुणाल स्टोर के बुक्स में लिखनी है। ओके, अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कुणाल स्टोर करके लिख दिया है और उसके नीचे ही आइस ड्रॉ कर दिए। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कुणाल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हो गए। ओके, और ये जो एंट्री है वो 2018 ईयर की है। ठीक है, और अगस्त मंथ की एंट्री से हमें पास करने बोली गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो स्टूडेंट ये जो वर्ड पेड है, पेड की जगह पे रिसीव लिखा हुआ है, वो रॉन्ग है। ठीक है ना, जब कभी भी हम परचेज करते हैं टेक्निकली हम पे करेंगे, परचेज करने के टाइम पे हमें पैसे मिलेंगे नहीं। ये पेड वर्ड की जगह पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ है, तो आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी। बट बिफोर डिसाइडिंग एंट्री एंट्री क्या होगी, उसके पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करने होंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और 10% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए एक वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमें पता है कि अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं आती, ट्रेड डिस्काउंट का कोई इफेक्ट नहीं आता है। जो भी इफेक्ट आता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला इफेक्ट्स आता है। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे परचेस वैल्यू। ठीक है ना, कि हमारा परचेस वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमने कितने का गुड्स परचेस किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 90,000 का गुड्स परचेस किया, करेक्ट। उसमें से हम सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, तो 90,000 का 10% जब मैं लेस करूंगा तो आएगा वो 9,000, इसको रिड्यूस करने पे मुझे मिलेगा 81,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 81,000। जो नेट वैल्यू है 81,000, और जो हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट वो 81,000 की होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इसमें रिकॉर्ड होता नहीं है बुक्स में। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। हमारी जो एंट्री होगी 81,000 रुपीज़ के लिए होगी। जो ऊपर का पोर्शन है ठीक है ना, ये इरेलीवेंट है हमारे लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेट वैल्यू विच इज़ 81,000। ओके, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है स्टूडेंट। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जब आप पेमेंट करोगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, उससे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, व्हेन यू विल पे यू विल गेट डिस्काउंट, उससे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे हम कितना पे कर रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे हम 1/3 पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 1/3 अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 1/3 हम पे कर रहे हैं, मतलब बाकी का जो 2/3 पोर्शन रह गया है वो क्या हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमें राकेश को देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज नोट कर लेते। पहला 1/3 जो कि है मेरा कैश ट्रांजेक्शन, जो भी नेट वैल्यू है उसका 1/3 मेरा कैश ट्रांजेक्शन होगा, और जो बचा हुआ है स्टूडेंट वो क्या होगा? 2/3 मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा। तो 81,000 का जब आप 1/3 कैलकुलेट करोगे, 81,000 का जब आप 1/3 यानी 1 × 81,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जब करोगे, तब जो आपको वैल्यू मिलेगा वो स्टूडेंट आएगा आपका 27,000। कितना? 27,000। ठीक है, तो आपने 27,000 वर्थ गुड्स के आपने पेमेंट की। बट जब आप 27,000 वर्थ के गुड्स के जब आप पेमेंट करोगे तो आपको उस परचेज के लिए 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट पे कर रहे हो, करेक्ट। तो ये 27,000 पे हमें 10% और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, विच विल बी अवर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो लेस 10% सीडी कैश डिस्काउंट, और 10% रहेगा 2,700। और जब और 10,000 क्या बोले, 27,000 में से 2,700 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट वैल्यू, इतना हम पे करने वाले। ठीक है ना, तो अमाउंट हम पे कितना करेंगे? 24,300 हम पे करेंगे। ठीक है, थ्रू चेक, चेक मीन्स थ्रू बैंक। ओके, तो 24,300 हम पे करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, अब चलिए देखते हैं बैलेंस के लिए। तो 81,000 का 1/3 हो गया 27,000, तो फिर 81,000 का 2/3 कितना होगा स्टूडेंट? 81,000 का 2/3 होगा 54,000। अल्टरनेटली आप 81 में से 27 माइनस करोगे तो भी आपको 54 ही मिलेगा। अब ये जो 54 है स्टूडेंट, इसका इसमें हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम 54,000 का पेमेंट अभी हम कर नहीं रहे। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कैश पे करते हो। ठीक है ना, तो आपको 27,000 के ऊपर 10% सीडी मिलेगा, बट 54,000 पे नहीं मिलेगा, तो 54,000 हैज इट इज रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, और अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद में अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो भी डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला कैलकुलेशन करने के बाद में अब हम अकाउंट डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 90,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है तो ये हमारे लिए अकाउंट नहीं होगा। नेक्स्ट 10% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट अकाउंट जो होगा वो हमारा होगा कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में। ओके, किससे परचेस किया? राकेश से। अभी राकेश से स्टूडेंट हमने पूरा पेमेंट तो नहीं किया, लेन देन बाकी है हमारे राकेश के साथ में, क्योंकि लेन देन बाकी है तो राकेश अकाउंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट अकाउंट होगा, इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। एंड लास्टली लिखा हुआ पेड बाय चेक। व्हाट डू मीन बाय पेड बाय चेक? मतलब बैंक, ठीक है ना। चेक, ड्राफ्ट, NEFT, ये सब वर्ड आ गए तो आपको बैंक अकाउंट नोट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे चार अकाउंट स्टूडेंट, चारों अकाउंट का इफेक्ट क्या आएगा, क्या अमाउंट आएगा उनके सामने वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है परचेस अकाउंट? या इट इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रूल के हिसाब से क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब हम परचेस करें स्टूडेंट डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी 81,000, क्योंकि हम 81,000 का गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कौन सा अकाउंट है अगेन कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कैश डिस्काउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट? हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है कि हम दे रहे हैं? हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। हम जब परचेस करने जाते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है स्टूडेंट, क्या हो रहा है? गेन। अकॉर्डिंगली कैश डिस्काउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 27,700 जो कैश डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राकेश अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी ये जब हम परचेस करेंगे गुड्स तो किससे परचेस कर रहे हैं? राकेश से, क्योंकि हम राकेश से परचेस करें तो अकॉर्डिंगली राकेश कौन हो गया? रिसीवर हुआ कि गिवर? क्योंकि हम राकेश से परचेस करें तो राकेश क्या हो गया? गिवर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली राकेश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा और राकेश अकाउंट के लिए हम 54,000 रिकॉर्ड करें, क्योंकि 54,000 का हमें राकेश से लेन देन करना बाकी है, ठीक है। एंड लास्टली बैंक, पेड बाय चेक दिया हुआ है, मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा? बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। तो क्योंकि हम पे करें चेक के थ्रू तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसे क्लियर करेगा, बैंक पेमेंट करेगा, करेक्ट। तो ये केस में बैंक कौन हो गया? गिवर हो गया। तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट आएगा 24,300। ओके, तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, फटाफट मैं वापस पूरा रिकैप करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट पूरी एक साथ में एंट्री किया। परचेस अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट आएगा 81,000 नेट वैल्यू, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट आएगा 2,700। ओके, राकेश अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट होगा 54,000। एंड लास्टली बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा, अमाउंट होगा 24,300, ठीक है। सिर्फ परचेस अकाउंट डेबिट है, बाकी तीनों भी अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देंगे इन द बुक्स ऑफ कुनाल स्टोर। किसके बुक्स में हम एंट्री पास करें? कुनाल स्टोर की बुक्स में। और क्या एंट्री पास करें स्टूडेंट? हम लोग जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम डेबिट अमाउंट, फिफ्थ कॉलम इज क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलिए कौन सी ईयर की एंट्री स्टूडेंट? ये अगस्त 2018 की एंट्री है। तो सबसे पहले हम ईयर लिख देंगे 2018। नेक्स्ट कौन सी डेट की? 1 अगस्त। यहाँ पर देखते हैं अगस्त 1। और जैसे मैंने आपको एंट्री बताया, क्या एंट्री थी हमारी? परचेस अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक क्रेडिट द गिवर, करेक्ट, टू राकेश क्रेडिट द गिवर अगेन, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। अमाउंट नोट कर देते हैं, परचेस था हमारा 81,000 का, बैंक से हमने पेमेंट किया 24,300, ठीक है। राकेश से हमने क्रेडिट में जो ट्रांजेक्शन किया वो है 54,000 का, और लास्टली जो हमें डिस्काउंट मिला वो है 2,700 का स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं। बैंक गुड्स परचेस है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है आप जस्ट बैंक लिख दीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन हैज इट इज लिख दीजिए नरेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है अगस्त 5 की। क्या एंट्री? चलिए देखते हैं। दिया हुआ है ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000 सॉरी
तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट कर रहे स्टूडेंट, ठीक है ना, अकाउंट ओपन कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहला दो अकाउंट जो कि पहला होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, करेक्ट। और सेकंड जो अकाउंट होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा कैश अकाउंट। यहाँ पे डिपॉजिटिंग वर्ड लिखा है, डिपॉजिटिंग मतलब क्या डिपॉजिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिपॉजिट कर रहे स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट, डिपॉजिटिंग को मैंने हेल्प किया बट वो कैश अकाउंट के लिए यूज़ करूँगा मैं इसे, ठीक है। तो दो अकाउंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा पर्सनल अकाउंट, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया कैश में। अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, कुनाल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कुनाल स्टोर पैसे डिपॉजिट करेगा, कैश क्या है कुनाल स्टोर के लिए, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है, पैसे हम डिपॉजिट करें तो हम बैंक में तो हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट अमाउंट 60,000, 60,000। नरेशन, नरेशन आएगा यहाँ पे बिंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एंट्री जो है हमारी नेक्स्ट है 8 अगस्त की। क्या दिया हुआ है 8 अगस्त के लिए, कैश परचेज ₹80,000, ठीक है। कैश परचेज मतलब क्या स्टूडेंट, हम कैश परचेज नहीं कर रहे, हम गुड्स परचेज कर रहे कैश पे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, इजीली आइडेंटिफाइबल है ये कैश अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो परचेज अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर दिए, कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है ट्रांजेक्शन में, कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस करने पे क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपेंस होगा। अकॉर्डिंगली परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री बनी स्टूडेंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा ₹85,000, ठीक है। तो एंट्री नोट कर लेते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट भी नोट कर लेते हैं स्टूडेंट साथ साथ में, 28,500, 28,500। और नरेशन लिख देते हैं, बिंग गुड्स परचेज बाय कैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10th ऑफ अगस्त, ओके। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि मैंने कहा हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो 20,000 का जब आप 10% निकालोगे तो अमाउंट आएगा 2,000 और नेट इम्पैक्ट कितना होगा स्टूडेंट, 18,000। तो आपको 18,000 का एंट्री पास करना है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रेडिट में गुड सेल कर रहे हैं तो तुषार अकाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तुषार अकाउंट एक हो गया पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो अकाउंट है वो सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से, सेल्स अकाउंट और तुषार अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम है गेन। तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, अकॉर्डिंगली सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज तुषार अकाउंट विच इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब कुनाल स्टोर सेल करेगा तो तुषार क्या करेगा स्टूडेंट, वहाँ पे रिसीव करेगा वो गुड्स, तो तुषार कौन हो गया, रिसीवर हो गया। अकॉर्डिंगली तुषार अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 18,000, ठीक है। ध्यान रखिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है, विच इज 18,000, ठीक है। तो एंट्री होगी तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट टू तुषार एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट
18,000, ओके एंड 18,000, 10% लेस करने के बाद में 18,000 अमाउंट आएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी 12th of August की, ठीक है। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, बहुत सिंपल सिंपल एंट्री। अभी पेड सैलरी, यहाँ पे दो अकाउंट कौन से स्टूडेंट, पेड, पेड वर्ड क्यों यूज़ किया गया स्टूडेंट, यहाँ पे पेड वर्ड यूज़ किया है कैश के लिए, ठीक है। हम क्या पे किए, कैश पे किए, ओके। और कैश किस लिए पे किए, सैलरी देने के लिए, ठीक है। तो दो अकाउंट है, कैश और सैलरी अकाउंट। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जब हम सैलरी पे करेंगे कैश आएगा कि जाएगा बिजनेस से, बिजनेस से जाएगा। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा क्रेडिट, और सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होने के नाते रूल क्या बनता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सैलरी क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी स्टूडेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा 4,000, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, नोट कर लेते हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन बिंग सैलरी पेड, अमाउंट 4,000, ठीक है, डन। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट 16 अगस्त की, ठीक है। क्या डेट है, 16th August। चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी। तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250, तुषार जिसको हमने गुड्स बेचे थे उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 250 के, ठीक है। तो ये किसमें स्टूडेंट, दो अकाउंट हो गया, पहला तो होगा तुषार अकाउंट, ओके इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा रिटर्न गुड्स, मतलब रिटर्न इनवर्ड हो गया, ठीक है ना, क्या होगा स्टूडेंट, रिटर्न इनवर्ड हो गया। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, तुषार अकाउंट, पहले तुषार अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। तुषार हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जब तुषार गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो गिवर हो गया स्टूडेंट, अकॉर्डिंगली तुषार अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बरूबर ना। तुषार गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है बिजनेस को, कुन्ना स्टोर को रिटर्न कर रहा है, तो कुन्ना स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो तुषार कौन हो गया, तुषार गिवर हो गया, हमें दे रहा है वो गुड्स रिटर्न, ठीक है। और नेक्स्ट गुड्स आ रहे कि जा रहे स्टूडेंट, यहाँ पे बिजनेस में गुड्स आ रहे, बरूबर ना। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, ओके, गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट। रिटर्न गुड्स में गुड्स हमारे पास आ रहे वापस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अकॉर्डिंगली हमारे जो एंट्री होगी स्टूडेंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इसे हम रिटर्न गुड्स को रिटर्न इनवर्ड करेंगे क्योंकि गुड्स अंदर आ रहे बिजनेस के, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट, अमाउंट होगा ₹250, ठीक है। तो एंट्री करते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलो या सेल्स रिटर्न बोलो, कुछ भी बोलो, वन एंड द सेम, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट, अमाउंट 250 और 250, ठीक है स्टूडेंट। नरेशन लिख देते हैं, बींग गुड्स रिटर्न बाय तुषार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी है वो 17th August की है, ठीक है। चलिए देखते हैं 17th August की एंट्री क्या होगी। 17 अगस्त की एंट्री होगी, गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर इज प्राइवेट यूज। अभी यहाँ पे ओनर कुणाल कौन है स्टूडेंट, ओनर है यहाँ पे, ठीक है ना। ओनर क्या कर रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है ना, क्यों, प्राइवेट पर्पज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए होता है। जिसका शॉप होता है वो अपने दुकान से गुड्स लेके जाता है, ठीक है। और वो गुड्स की कीमत है ₹2,000, कितनी कीमत स्टूडेंट, ₹2,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा आएगा स्टूडेंट, सबसे पहला आएगा यहाँ पे कुणाल दिया हुआ, कुणाल ओनर है, और ओनर के लिए दो अकाउंट यूज़ करते हैं हम लोग। जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब बिजनेस से पैसे लेके आता है तो उसे हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना। तो कुणाल अकाउंट हाईलाइट किया मैंने, बट यहाँ पे हम ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, लिखने के टाइम पे। तो सॉरी, कुणाल हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब ओनर बिजनेस से गुड्स लेके जाएगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो ओनर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, ये केस में ओनर रिसीव कर रहा है गुड्स, बरोबर ना। तो कुणाल अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए, बरोबर ना। तो कुणाल अकाउंट डेबिट होगा, बट कुणाल की जगह पे हम ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है, याद रखना आपको ये। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सेकेंड गुड्स टेकन, ठीक है ना, गुड्स टेकन या फिर गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपरेटर करके ऐसा हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स बिजनेस में आ रहा कि जा रहा है, जब ओनर गुड्स लेके जा रहा है बिजनेस से, तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूँ तो
तो गुड्स बेचने से जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली जो एंट्री आएगी स्टूडेंट क्या आएगी, गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट डेबिट द रिसीवर कुणाल, ठीक है, टू गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, गुड्स यहाँ पे जा रहे हैं, अमाउंट कितना 2000। ठीक है, चलिए एंट्री देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा टू गुड्स विदड्रॉन बाय कुणाल। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखो, कुणाल लिखो, वन एंड द सेम अमाउंट, अमाउंट आएगा 2000 एंड 2000। ठीक है, चलिए नरेशन क्या होगा देखते हैं। बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम उलमे, सॉरी यहाँ पे नरेशन गलत है थोड़ा सा। ओके, तो नरेशन होगा स्टूडेंट बिंग गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर इज प्राइवेट यूज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री आएगी स्टूडेंट वो एंट्री होगी August 20th की। ठीक है, चलिए देखते हैं एंट्री क्या है। परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जोशी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, 18% GST एंड पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लैपटॉप परचेज के और पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पेमेंट कर दिया, जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, जोशी इलेक्ट्रॉनिक का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएगा, सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा लैपटॉप अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, रियल अकाउंट, ठीक है, एसेट है बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो GST अकाउंट, ओके, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली GST अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 18% GST, यहाँ पे हम CGST SGST बायफोकेट कर लेंगे, 99%। ठीक है, तो लैपटॉप हमारा रियल अकाउंट, GST हमारा नॉर्मल अकाउंट, और पेड बाय चेक, पेड बाय चेक मतलब व्हाट फ्रेंड, चेक मतलब हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट हो गया, बरूबर ना, क्या हो गया, ये हमारा बैंक अकाउंट, तो बैंक से हम पे कर रहे हैं, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो तीन अकाउंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, लैपटॉप अकाउंट, GST अकाउंट और बैंक अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, GST हमारा नॉमिनल अकाउंट, चेक हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैपटॉप, लैपटॉप कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम लैपटॉप परचेज करेंगे तो डेफिनेटली वो कम्स इन होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अमाउंट आएगा 40,000। ठीक है, नेक्स्ट GST हम पे करेंगे तो 99% चार्ज होगा GST, 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST, दो टाइप की GST होते हैं, सेंट्रल CGST और स्टेट CGST, तो 99% हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो GST क्या हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अकॉर्डिंगली CGST और SGST क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लैपटॉप डेबिट हुआ, दोनों GST डेबिट हो गया, पेड बाय चेक, चेक मतलब बैंक, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पेमेंट बैंक करने वाला है, बैंक कौन होगा, गिवर होगा ये केस में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक को पेमेंट कौन करेगा, बैंक, तो बैंक कौन हुआ, गिवर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंट्री देखते हैं फटाफट। एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ओके, लैपटॉप अकाउंट क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट इनपुट GST अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टूडेंट परचेस करने के टाइम पे हमने ये टैक्स पे किया, इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST, अगर ये हम सेल के टाइम करते तो आउटपुट आता वर्ड। ओके, नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, लैपटॉप कितने का था, 40,000, 40,000 के 9%, 18% GST टोटल, 99% करना पड़ेगा, तो 9% कम्स टू 3,600, 9,436, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो 9,600। ठीक है, इनपुट SGST भी, सॉरी 3,600, 3,600 इनपुट SGST, 3,600 टोटल कितना होगा सोन, टोटल जो भी होगा हम बैंक से पे करेंगे, विच इज़ 47,200, 47,200 हम बैंक से पे करेंगे। ओके, तो नरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, बिंग लैपटॉप परचेस एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी है 22 अगस्त की है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं, रेंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला जो अकाउंट है वो है रेंट अकाउंट, ओके, रेंट हम पे कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चेक दे के पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक पेमेंट करेगा स्टूडेंट आगे वाली पार्टी को। ठीक है, तो
क्रेडिट द गिवर, बैंक कौन है? गिवर होगा ये केस में, बैंक वो रेंट पे करने वाला है, ठीक है ना। तो बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट जैसे होगा, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि बैंक गिवर है, और रेंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारी एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 15,000, रेंट अकाउंट डेबिट, ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नरेशन बिंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है, अमाउंट 15,000, 15,000, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो 25 अगस्त की है, ओके। परचेज मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश एंड 18% GST पेड बाय बैंक। ये एंट्री और लैपटॉप की एंट्री स्टूडेंट सेम है एकदम दोनों भी, ठीक है। मोटर कार कौन सा अकाउंट, आपका अकाउंट जो है इन्वॉल्व है वो है मोटर कार। कौन सा अकाउंट है मोटर कार? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन हो रहा है परचेस करने पे, ओके। फॉर कैश लिखा हुआ है, पेड बाय बैंक लिखा हुआ है, दोनों भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बैंक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कैश में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ₹2 लाख की हमने मोटर कार परचेस की हुई है, 18% GST पे किया, क्योंकि हम GST पे कर रहे स्टूडेंट, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 99% हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और पेड बाय बैंक, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये केस में बैंक पे करेगा, क्योंकि हम चेक दे रहे आगे वाले पार्टी को, तो बैंक पेमेंट करेगा उसे, ठीक है ना। तो ये तीन अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया। मोटर कार डेबिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, GST एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, बैंक गिवर है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एंट्री देखते हैं फटाफट। मोटर कार रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट सी जी एस टी, डेफिनेटली परचेस कर रहे वापस, तो बिजनेस में आ रहा है गुड्स, तो इसलिए हम इसे इनपुट सी जी एस टी करेंगे। इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। अमाउंट कितना था मोटर कार का? अमाउंट था ₹2 लाख, 9% कितना होगा? 18,000 रुपीज़। एस जी एस टी भी सेम होगा, 18,000 रुपीज़। टोटल पेमेंट जो होगा बैंक में वो कितना होगा? 2,36,000 रुपीज़, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, बिंग मोटर कार परचेस्ड एट 28% GST एंड पेड बाय चेक, ओके। चलिए ये एंट्री भी हमारी स्टूडेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 26 अगस्त की, तो 26 अगस्त की एंट्री क्या है? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹4,000। हम कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट, यहाँ पे हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें क्यों कर रहे हैं? देख, ताकि क्या हो सके, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो यहाँ पे बोला तो नहीं गया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, अज्यूम नहीं मान के, मतलब जो ये एडवर्टाइज हम कर रहे हैं, क्या करें, गुड्स हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करके एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक अकाउंट होगा स्टूडेंट वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी मोटर से करेंगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट हमारा मोटर है। अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट भले सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं, बट आपको ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम गुड्स फ्रीली बांट रहे ताकि हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो सके, ठीक है। तो पहला अकाउंट जो आएगा वो आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और दूसरा जो आएगा स्टूडेंट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब हम फ्रीली बांटेंगे, ठीक है ना, जब हम गुड्स को फ्रीली बांटेंगे तो क्या होगा, गुड्स बिजनेस से जाएगा, अकॉर्डिंगली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, अमाउंट 4,000। चलिए फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमाउंट 4,000, 4,000, ठीक है। नरेशन बिंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है 28 अगस्त की है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पे गुड्स परचेस करें, तो पहला अकाउंट आएगा परचेस अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट अमित अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे परचेस करेगी तो अमित कौन होगा, गिवर। अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमाउंट आएगा 60,000, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट बींग गुड्स परचेस ऑन फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, ठीक है, 60,000, 60,000 डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी है 29th ऑफ अगस्त, 30th अगस्त, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पेड बाय ECS, ठीक है ना, पेड बाय ECS टू अमित, पेड बाय ECS टू अमित 58,500, हु अलाउ अस डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,500। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 1,500 का हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है अमित। तो चलिए अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ECS के थ्रू पे करें, यहाँ पे ECS कैश मतलब स्टूडेंट यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। किससे कर रहे हैं हम, अमित को कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट होगा अकाउंट अमित अकाउंट, और वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट अकाउंट, तीन अकाउंट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ECS कैश विच इज़ बैंक अकाउंट, अमित अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना। अभी हम पे करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंक क्या होगा, रिसीवर होगा कि गिवर होगा, करेक्ट, बैंक क्या होगा, गिवर, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं आगे वाली पार्टी को या पेमेंट कर रहे हैं ECS के थ्रू, जो कि एक मोड ऑफ पेमेंट है बैंक का, ठीक है ना। तो बैंक क्या होगा, यहाँ पे गिवर होगा। नेक्स्ट अमित पर्सनल अकाउंट, ये भी बैंक भी पर्सनल अकाउंट, अमित भी पर्सनल अकाउंट, अमित रिसीवर है, उसको पैसे मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो अमित कौन हो गया, रिसीवर हो गया, अकॉर्डिंगली अमित अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, करेक्ट। एंड डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट मिला। अभी हमें डिस्काउंट मिला तो क्या फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, तो हमारे नॉमिनल अकाउंट हुआ ये, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगी अमित अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट, मतलब टू टू बैंक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाफट एंट्री, अमित अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, अमित अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। चलिए एंट्री भी नोट कर लेते हैं, हमने पेमेंट कितना किया 60,000 का अमित को, बैंक से हमने कितना पे किया 58,500, और जो था डिफरेंस वो कितना था 1,500, हमें डिस्काउंट मिला यहाँ पे, ठीक है। नरेशन बिंग पेमेंट डन टू अमित बाय ECS एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। स्टूडेंट यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था 58,500 क्वेश्चन में, ठीक है ना। 58,500 और 1,500 डिस्काउंट देता है, इन दोनों को ऐड करने पे अमित का अकाउंट कितना इफेक्ट होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि 60,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एंट्री है स्टूडेंट वो होगी हमारी एंट्री अगस्त 30th की, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स रुपीज़ 5,000 एट अ लॉस ऑफ 1,000, ठीक है। हम गुड्स बेच रहे 5,000 के, वो भी कैसे बेच रहे, लॉस करके, 1,000 का क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, लॉस हो रहा है। तो चलिए अकाउंट यहाँ पे पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं और देखते फिर एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो कौन से है, यहाँ पे सबसे पहला सेल्स अकाउंट, ठीक है, सोल्ड दिया हुआ यहाँ पे तो वो सेल्स के लिए यूज़ किया गया, तो सबसे पहला अकाउंट होगा वो यहाँ पे होगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जो अकाउंट होगा वो होगा लॉस ऑन सेल, क्योंकि मैंने 1,000 का लॉस किया है, नुकसान है, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, लॉस ऑन सेल अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन सेल अकाउंट। पहला सेल्स अकाउंट हो गया लॉस ऑन सेल, और मैंने गुड्स बेचा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने कैश बेसिस पे गुड्स बेचा, हमने उधार पे नहीं बेचा, कैश में बेचा, हमें पैसे मिले हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कैश, ठीक है, ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन का नाम दिया होता तो मैं मान के चलता कि भाई ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नहीं दिया तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन अकाउंट है स्टूडेंट वो है हमारा सेल्स अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है,
लॉस ऑन सेल, अगेन नॉमिनल अकाउंट लॉस की बात करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आएंगे बिजनेस में जब हम बेचेंगे तब, बरूबर ना, पुनः स्टोर को पैसे मिलेंगे जब वो गुड्स बेचेगा तब। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। चलिए एंट्री पास करते हैं, सेल्स में आएगा 5000, लॉस में आएगा 1000, तो कैश कितना मिला स्टूडेंट, 4000, करेक्ट। तो चलिए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहला फटाफट कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट होगा हमारा लॉस ऑन सेल अकाउंट, नेक्स्ट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, नरेशन बिंग गुड सोल्ड एट लॉस। अमाउंट कैश में कितना आएगा स्टूडेंट, 4000, ठीक है, लॉस कितना हुआ 1000, अकॉर्डिंगली सेल्स कितना हुआ हमारा 5000 का स्टूडेंट, ठीक है। तो सेल्स 5000 का, उसमें से लॉस 1000 हमने रिकॉर्ड किया और बाकी का हमें कैश मिल गया, ओके। चलिए लास्ट एंट्री हमारा अगस्त 31st, ठीक है, चलिए देखते हैं एंट्री क्या है हमारी अगस्त 31st की। सोल गुड्स फॉर ₹20,000, ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे अज्यूम करेंगे हमने कैश बेसिस पे बेचा है। तो यहाँ पहला अकाउंट कौन सा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहला अकाउंट आएगा हमारा सेल्स अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट जो अकाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट, कौन सा आएगा, कैश अकाउंट, ठीक है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कैश रियल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंगली कैश डेबिट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन अकॉर्डिंगली क्रेडिट। तो एंट्री हुई स्टूडेंट हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, अमाउंट 20,000, 20,000, ठीक है, डन स्टूडेंट। तो हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी, अब हम क्या करेंगे, जर्नल का टोटल करेंगे और टोटल विल कम्स टू 6,97,450, 6,97,450। तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ स्टूडेंट, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सारी एंट्रीज समझ में आई होगी प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद अदर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए थैंक यू।